नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, 1857 की क्रांति, जिसे वीडी सावरकर जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी सबसे पहले, और ये आधुनिक भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, क्यों यह विफल रहा, साथ ही साथ हम यह इसके समानांतर जितने भी जन आंदोलन चल रहे थे वह कहां से चल रहे थे, उनका नेतृत्व कहां से किया जा रहा था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले आप लोग कुछ ज़्यादा अपेक्षा रखें, मैं आपको बता दूँ यह वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरे डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल का भी एग्जाम होगा, तो जल्दी से हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था एनफील्ड राइफल को। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह भारतीयों को लगा, क्योंकि एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, तो भारतीयों को लगा क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी जो है वह असहनीय थी, उसको दांत से खींचना पड़ता था, और मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी असहनीय थी, उसको दांत से खींच करके तब चलाना पड़ता था एनफील्ड राइफल्स को। तो यह धर्म में हस्तक्षेप का इनको धार्मिक रूप से यह उनका शोषण उनको महसूस हुआ, ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का भारतीयों को जब संदेह हुआ तो यह एक प्रमुख तत्कालिक कारण रहा, ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंगल पांडे सिपाही थे, कहाँ के थे यह? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, यह बंगाल में यह नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, जो कि मुगल बादशाह था, साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? बख्त खान को। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, सबको कमल और रोटी पास किया जाता था, और बताया जाता था कि 1857 की क्रांति इतने तारीख को होगी और आपको शामिल होना है। तो यह प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, और यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति सबसे पहले प्रारंभ हुई थी मेरठ से, ठीक है, और आपको बता दूं कि मेरठ से ही यह क्रांति प्रारंभ हुई थी, लेकिन यह 1857 की क्रांति प्रथम सैनिक विद्रोह नहीं था। इससे पहले 1806 ईस्वी में बेल्लौर में तमिलनाडु में सैनिक विद्रोह हो चुका था। तो 1857 की क्रांति दूसरी सैनिक विद्रोह थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रथम सैनिक विद्रोह कौन था, तो वेल्लौर में तमिलनाडु में 1806 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुँचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी में है, और अगर इनकी समाधि की बात की जाए तो ग्वालियर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? कैप्टन ह्यूरोस का। 1857 में अवध से किसने नेतृत्व किया था? अवध जो कि इस समय लखनऊ वाले प्रांत को कहा जाता है आधुनिक में, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था सेना का, और यहीं से सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी अवध से। अवध के नवाब की यह पत्नी भी थी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? दीवान मणिराम दत्त। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को देखने वाले प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब थे, जो कि गोरखपुर शहर से हैं, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद करने वाला राजवंश, अंग्रेजों की मदद करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया राजवंश। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा वर्ग तटस्थ रहा था, मतलब उन्होंने भाग नहीं लिया था उस विद्रोह में? तो वह था शिक्षित मध्य वर्ग। भारत का शिक्षित मध्य वर्ग इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था।
अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने किस स्थान से नेतृत्व किया था? इन्होंने कानपुर से सेना का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमद शाह ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला ही क्वेश्चन है, इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या अवध से थी, जहां से सिपाहियों का नेतृत्व कर रही थी अवध से बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे टाट्या टोपे, और आपसे पूछा जा सकता है टाट्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? टाट्या टोपे का, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबू वीर कुंवर सिंह। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इसको याद कर लेंगे, क्योंकि सभी परीक्षाओं में यह बार बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आपको पता होगा 1856 में जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था डलहौजी ने, उसके बाद वह वापस लौट गया था, उसके बाद कैनिंग को गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का सभी वर्गों ने समाज के विरोध किया था सिवाय ईश्वरचंद विद्यासागर के। ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही भारत में इसका सपोर्ट किया था, ठीक है। और कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था और एक कानून बना था, और गवर्नर जनरल यह सबसे आखिरी गवर्नर जनरल भी था। और इसी के बाद जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो वायसराय का पोस्ट बनाया गया विक्टोरिया ने जब घोषणा की इलाहाबाद से, तो सबसे आखिरी का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, और सबसे प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो यह इतना बातें आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर उस समय कौन था? लॉर्ड बेनिट हेरसे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था, और यहीं इलाहाबाद से ही रानी विक्टोरिया घोषणा करेंगी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन था? यह बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, विस्कार्ट पाल्मस्टन थे। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण, यह क्यों असफल हो गया? इसका प्रमुख कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, वह थे वी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर सी मजूमदार का, जो कि इतिहासकार भी हैं। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने कब की? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की अब भारतीय प्रशासन जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में रहेगा, और ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में रहेगा, और साथ ही साथ उनके ही द्वारा भेजे गए वायसराय के द्वारा यह नियंत्रित किया जाएगा। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स जो डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति लागू की थी उसको समाप्त कर दिया गया, और बहुत सारी घोषणाएं की गई महारानी विक्टोरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ठीक है। इन्होंने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का परित्याग कर दिया और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग पील आयोग बनाया गया।
अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे प्रांत थे जहाँ से सिपाहियों का चयन किया गया? वह था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति जब चल रही थी उसी के समानांतर कुछ जन आंदोलन भी चल रहे थे और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, नील क्रिस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किससे संबंधित है? दीन बंधु मित्र से। दीन बंधु मित्र ने ही एक पुस्तक लिखी थी नील दर्पण, जो कि नील क्रिस्को की दुर्दशा पर लिखी गई है। जो नील की खेती करते थे किसान, उनकी दुर्दशा थी, उनकी दशा बहुत ही खराब थी और उन्हीं पर यह पुस्तक लिखी गई है, तो आप लोग ध्यान देंगे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर है। आनंद मठ पुस्तक सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे? दादू मियां। अगला क्वेश्चन हमारा है, फराइजी कौन थे? हाजी सरियातुल्लाह के अनुयायी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व तो कहाँ से किया था? केरल से। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़गे ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मानव बलि प्रथा का भी जब निषेध किया गया तो अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी जनजाति थी जिसने विद्रोह किया था? खोंड जनजाति। 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? बुधू भगत ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, कि बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा का विद्रोह हुआ था बड़ौदा से। 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा, जो कि एक जनजाति से संबंधित था बिरसा मुंडा। किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? बिरसा मुंडा को इसे जगत पिता कहा जाता है। यह एक आदिवासी नेता था। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गोमधर कुंवर। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नाग। कुछ जन आंदोलन हैं और यह कहां से हुए थे, किस राज्य से हुए थे या किस प्रांत से हुए थे, यह बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सभी परीक्षाओं के लिए, यह उपयोगी है, तो आप लोग इसको आराम से देखिए और याद कर लीजिएगा। जैसे मोपला विद्रोह केरल से हुआ था। कूका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। कूकी विद्रोह त्रिपुरा से है। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल से है। कोली विद्रोह महाराष्ट्र से है। पावना विद्रोह बंगाल से है। एका आंदोलन अवध से है। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से इसका संबंध है, बिहार में यह विद्रोह शुरू हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो यह सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं। 1857 का विद्रोह या फिर उसके समानांतर जो जन आंदोलन चल रहे थे उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे तो इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते हैं, डेली करेंट अफेयर्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।